आखिरी मौका है तेरे पास अपनी जान बचाने का। इस घर से इतना मोह क्यों है तुझे? क्यों अपनी जान देने पे तुली है? बाहर निकल। लगता है ये बुढ़िया टेलर से खुश नहीं होती, इसको पूरी पिक्चर दिखानी पड़ेगी। अपनी जान दे दूंगी लेकिन ये बदमाशों के आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगी, नहीं झुकाऊंगी, नहीं झुकाऊंगी। ए बुढ़िया, इंटरवल हो गया फिल्म का, अभी भी समझ जा, घर खाली कर दे वरना फिल्म के साथ साथ तेरा भी डी एंड हो जाएगा। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। कहाँ है बुढ़िया? बाहर निकल, यही कहीं छुपी होगी। उठो से, बाहर निकल बुढ़िया, बाहर निकल, बाहर निकलो। बॉस यहाँ है वो। तो यहाँ छुपी बैठी है बुढ़िया, ले चलो इसे। ओ चलो इधर, चलो यार। क्या सोचा था तुमने, हमसे जीत जाओगी? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे जो चीज पसंद आती है मैं छीन लेता हूं। आज से ये घर भी मेरा हुआ और ये घर जिस जमीन पे बना है वो भी मेरी, समझी? कभी नहीं। अगर तुझे मेरा घर चाहिए ना तो तुझे मेरी लाश पे से गुजरना होगा। सुना तूने? मेरी लाश पे से गुजरना होगा। अरे पापा, क्या फिल्मी डायलॉग मारती है, मैं तो डर गया। बॉस अब करना क्या है इसका? करना क्या है, आंटी की आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। बड़ा लगाव है ना इसको इस घर से, यही इसकी चिता जलाते हैं। जुर्म की आग चाहे कितनी ही भड़के, कानून के समंदर में आके उसे बुझना ही पड़ता है। घर में बोल के आया है ना कि आज घर वापस नहीं आऊंगा, ससुराल जाना है। मार बेटा, मार इन्हें। ये मुझसे मेरा घर छीनना चाहते थे, मार इसे, मार इसे, मार इसे, मार बेटा। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से, इस एरिया के सब इंस्पेक्टर को फौरन यहाँ भेजिए। हाँ, 5 मुजरिमों को गिरफ्तार करना है, जल्दी। हाँ
भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी थी और ये बदमाश मुझसे मेरा आशियाना छीनना चाहते थे। ऐसे कैसे छीन लेते माँ जी? आम लोग निडर होके जी सके इसीलिए तो कानून की शपथ ली हमने। बहुत किस्मत वाली है वो माँ जिसने तुम जैसे बहादुर बेटे को जन्म दिया। अफसोस माँ जी, मुझे तो याद ही नहीं है कि वो है कौन। क्या आज के बाद बेटा कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूं। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ। ये माँ का आशीर्वाद समझकर अपने गले में डाल लो बेटा और इसे कभी मत निकालना। क्या दया, ये रिटायरमेंट के बाद तुम्हारा क्या प्लान? रिटायरमेंट? ये अचानक रिटायरमेंट की बात तुम्हारे दिमाग में कहां से आई अभी? कहीं सीआईडी छोड़ने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना करना है। वो कल ऐसे ही बैठे बैठे ये ख्याल मेरे दिमाग में टपक पड़ा यार कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, सीआईडी से रिटायर हो जाएंगे, तो हम लोगों की लाइफ होगी कैसी? हाँ, अगर शादी होगी होगी तो पोतों को खिलाएंगे, अगर नहीं तो किसी गार्डन में बैठे होंगे अकेले और याद करेंगे बीती हुई बातों को। और क्या, ये बात तो है। वैसे तुम अपने पोतों को दरवाजे तोड़ने के किस्से जरूर सुनाना। तुम क्या, मैं सुनाऊंगा तुम्हारे पोतों को और अपनी दोस्ती के किस्से भी सुनाऊंगा यार। अभिजीत, पोते होने के लिए शादी होना भी बहुत जरूरी है। तुमने तो अपने लिए लड़की ढूंढ ली है, मगर मेरी जिंदगी में अरे बस इतनी सी बात है तो पहले बोलना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, कल तुम्हारे लिए अखबार में इश्तहार दे देते हैं, फिर देखना तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी यार। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम शादी कर लो, मेरा नंबर बाद में लग जाएगा। अच्छा अच्छा, शहीद होने के लिए मुझे आगे कर रहे हो हैं? तुम्हें मालूम नहीं अभिजीत, जिस दिन तुम घोड़ी चढ़ोगे ना, कितना डांस करने वाला हूँ मैं। घोड़ी मैं। न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर, पेपर वाला पेपर वाला, आज की ताजा खबर। अभिजीत सर, सर ये आप ही हो ना सर? हाँ बेटा मैं ही हूँ। सर आप बहुत बहादुर हैं अभिजीत सर, काश मैं बड़े होकर आपके जैसा ऑफिसर बन पाता सर। क्या नहीं, मेहनत ईमानदारी और सच्चाई से काम करोगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। मतलब सच्ची में सर, मैं सीआईडी ऑफिसर बन सकता हूँ सर? हाँ क्यों नहीं बन सकते, स्कूल जाते हो ना? हाँ सर, मैं दोपहर में स्कूल जाता हूँ और सुबह यह न्यूज़पेपर बेचता हूँ सर। वेरी गुड, तुम्हारी मेहनत का फल एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ सर, बस पहुँचने ही वाले सर। हाँ अभिजीत, हाँ इनसे मिलो, इनसे भी सतीश से। सतीश जी, ये है अभिजीत और दया, सीआईडी की दो मजबूत बाजू, इन्हें कौन नहीं जानता सर। अभिजीत, दया, ये जो BTW रोड पर एक महीने पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसका एकमात्र गवाह ये आकाश है, अब आतंकवादी आकाश के घर वालों को धमकी भरे और डराने वाले फोन करने लगे हैं ताकि आकाश कोर्ट में जाकर गवाही ना दे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक आकाश कोर्ट में गवाही नहीं देता, तब तक आकाश और उसके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा आप लोग आपके हाथ में लें। चलो आकाश के घर वालों से मिलते हैं। आओ। ये है आकाश की बीवी शमिता, वो कविता, नितिन की बीवी, चाचा राजेश,
और ये आकाश का भतीजा। और सर आकाश, आकाश कहाँ? आकाश को हमने एक खुफिया और सुरक्षित जगह पे रखा हुआ है। अब जब केस आप लोगों के हाथ में है तो आकाश को भी आप ही को सौंप दिया जाएगा। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि आकाश कोर्ट में गवाही दे। कितने लोग बॉम्ब ब्लास्ट में मरे हैं, आकाश की गवाही देने से वो लोग जिंदा तो नहीं हो जाएंगे ना? देखो शमिता, इन आतंकवादियों को अगर सजा नहीं हुई तो और भी बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे और भी मासूम लोगों की जाने जाएंगी। आपको तो अपने पति पे गर्व होना चाहिए कि वो इतना साहसिक कदम उठाने जा रहे हैं। गवाही वाले दिन तक तो आप लोग उसकी सुरक्षा करेंगे, पर उसके बाद क्या होगा? जब तक आकाश के सिर से खतरा नहीं टलता, हम साए की तरह उसके साथ रहेंगे। इस केस का पूरा दारोमदार इस आकाश पर है। आतंकवादी पूरी कोशिश करेंगे कि आकाश सुनवाई के दिन कोर्ट ना पहुंचे। आकाश कोर्ट भी पहुंचेगा और गवाही भी देगा। गुड, ये वही घर है जहां हमने आकाश को पूरी सुरक्षा के साथ रखा हुआ है। कहां है ये घर? इस लिफाफे में। इस घर का पूरा एड्रेस और आकाश को जहां से ले जाना है और रास्ते का पूरा नक्शा भी। ऑल द बेस्ट जेंटलमैन। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर केस की तरह इस केस में भी सीआईडी को कामयाबी हासिल होगी। गुड लक जेंटलमैन। थैंक यू सर। कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा आकाश को घर से बाहर निकालने के लिए। हाँ सर, आतंकवादी नजर रखे होंगे इस घर पे कि कब ये आकाश घर से बाहर निकलेगा और कब वो उसे खत्म कर देंगे। अभिजीत, आकाश को इस घर से सही सलामत बाहर निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। कल सुबह इस घर से सुबह 9 बजे 2 गाड़ियां निकलेगी। एक गाड़ी में सचिन के साथ रहेगा आकाश और दूसरी गाड़ी में रहेगा निखिल। फिर 9:30 बजे और 2 गाड़ियां निकलेंगी। उसमें एक गाड़ी में रहेगा विनित और आकाश और दूसरी गाड़ी में पूर्वी। और फिर तीसरी गाड़ी निकलेगी 10 बजे जिसमें फ्रेडी के साथ रहेगा आकाश और दूसरी गाड़ी में रहेगी श्रेया। तीन तीन आकाश। प्लान तो बहुत अच्छा है सर, मगर मैं किस गाड़ी में रहूंगा? तुम एक अलग ही गाड़ी में जाओगे ड्राइवर बनकर इगतपुरी। इगतपुर क्यों सर? आकाश की बेटी शिया वहां पर एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। मैं चाहता हूं कि उसके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो रही है तो तुम उसे घर लेकर आओ। तो सर शिया की जान को भी खतरा है। या फिर भी अगर शिया अभिजीत के साथ घर लौटेगी तो अच्छा ही है ना? ओके सर। मगर हाँ, उसे पता चलने मत देना कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा सर। सचिन जल्दी। बॉस, सीआईडी वाले 2 गाड़ी में निकले हैं बॉस। आकाश कौन सी गाड़ी में? पहले वाली सफेद गाड़ी में। अरे ये क्या, कुछ तो चक्कर है बॉस, ऐसी 2 गाड़ियां और आई हैं अभी। आकाश तो निकल गया ना, फिर किसकी? मैं आपको वापस फोन करता हूँ बॉस। एक और आकाश, ये क्या चक्कर है? रेडी, तुम लोग जल्दी निकलो। तीन तीन आकाश, तीन अलग अलग गाड़ियों में 3 अलग अलग आकाश। आकाश एक ही है, बाकी दोनों बहरूपी हैं। तो बस अब क्या किया जाए?
आकाश तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम सही वक्त पे कोर्ट पहुंच जाओगे और उन आतंकवादियों के खिलाफ गवाही भी दोगे। थैंक यू सर। विनीत सब कुछ ठीक ठाक है ना? हाँ सर सब एकदम ठीक है, हमने अभी भी चेकना का क्रॉस किया है सर। हम लोग तुमसे 50 किलोमीटर आगे हैं। अच्छा ये बताओ कि आकाश कैसा है? एकदम फिट है सर। डरने की जरूरत नहीं है आकाश, ग्रेडी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे मुजरिमों के पसीने छूट जाते हैं, सूखे हुए पत्तों की तरह कांपने लगते हैं वो। हाँ अभिजीत जी है ना? जी बिल्कुल। वो देखिए सिया आ गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सिया को ये मत बताइएगा कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ। मैं नहीं चाहता कि सीआईडी का नाम सुनकर वो घबरा जाए। उसको आप बोलिएगा कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। श्योर। वैसे सिया बहुत ही रिजर्व टाइप की लड़की है, जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो उसकी बातों की दुकान बंद नहीं होती। सिया ये अभिजीत अंकल है, तुम्हें लेने आए हैं। बेटा मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। अरे ये कहाँ गए? अपने काका से अलविदा कहने। काका। अरे मेरी बिटिया तू जा रही है? हाँ काका, कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हूँ, आप मुझे याद करोगे ना? अरे बेटा मैं तो तुझे ही रोज याद करूंगा, तू मेरी छोटी सी परी है ना। और आज देखो आपकी परी आपके लिए क्या लाई है। इसकी क्या जरूरत है बेटा? जरूरत कैसे रही थी? आपका पूरा शॉल फट गया था ना। दूसरों का कितना ख्याल रखती है, अपना भी ख्याल रखता कर। हाँ बेटा घर जाना तो अपने मम्मी पापा से इस काका का नमस्ते कह देना बेटा। कह दूंगी काका। और हाँ काका अपनी दवाइयाँ टाइम पे लेना। अरे हाँ मेरी दादी अम्मा, अब तुम जाओ। आइए बेटा बैठिए। इस गाड़ी और इस गाड़ी के बीच में ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। मोगेम्बो ने जाल बिछाया हमारे लिए। इधर बैरल डाल यहां से।
नन्हे जोर से कैसे दोस्ती करूं? अरे नहीं बेटा, खिड़की नहीं खोल सकते। क्यों? वो आपको ठंड लग जाएगी ना। मेरे को जुकाम लगेगा ना, मेरी नाक है, आपको क्या उससे? नहीं, अगर जुकाम हो गया आपको तो आपके नाक पे गुस्से के बैठने की जगह नहीं रहेगी, इसलिए खिड़की खोल नहीं सकते। ये गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। ये क्या हो गया गाड़ी में? अरे कुछ गड़बड़ हो गई है गाड़ी में बेटा। मुझे भूख लगी है। हाँ तो आगे एक होटल है, वहाँ पे खाना खा लेते हैं। चले खाना खाने। हेलो पूर्वी, सब ठीक है ना? हाँ बिनी। कोई पीछा तो नहीं कर रहा है? नहीं, कोई नहीं, सब क्लियर। यहाँ क्यों खड़े हो? दिखाई नहीं देता ये लेडीज टॉयलेट है? सॉरी आंटी, एक छोटी बच्ची का वेट कर रहा हूँ। क्या, मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं आंटी नहीं, आई मीन दीदी, आई मीन मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब कुछ नहीं, वहाँ जाकर के इंतजार करो, ठीक है ना? जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते। आ जा। तुम्हारा नाम क्या है? रेशम। तुम्हें भूख लगी है? ये लो चॉकलेट खाओ। ये चॉकलेट तुमने इसे क्यों दी? तुम जानती हो ये कौन है? मैं इस तरह के बच्चों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। इनको उंगली दो तो ये हाथ पकड़ लेते हैं, और हाथ दो तो ये कंधा उखाड़ लेते हैं, समझी तुम? मगर आंटी से भूख लगी है। मुझसे बहस मत करो, किसके साथ है तुम? मैं उन्हें अभिजीत अंकल के साथ आई हूँ। ठीक है, अभी मैं तुम्हारी खबर लेती हूँ। किस तरह के लापरवाह इंसान है आप, अपनी बच्चे का ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकते? लीजिए संभालिए इसे। सिया बेटा एक काम करो, तुम वो सामने टेबल है ना, वहाँ जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। अभिजीत अंकल,
आप उस बच्ची को प्लीज मत डांटना, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे चॉकलेट दी। नहीं अब तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, जाओ प्लीज। हाँ आइए रेशम बेटे, अपनी दीदी के पास बैठो। हाँ हाँ बोलो क्या खाओ। पाव भाजी, डोसा, पिज्जा, बोलो। मैनेजर मैनेजर, अब मैं एक मिनट नहीं रुक सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, बताइए क्या बात है। अरे इस तरह के फटीचर बच्चे यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो हम जैसे लोग कहाँ जा करके खाएंगे पिएंगे। शट अप, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की घटिया बातें जुबान से निकालते हुए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं और आप अपने ऊंच नीच के दायरे में इस कदर अंधी हो गई हैं। इस छोटी सी बच्ची की मासूमियत नजर नहीं आती आपको है? ये बच्ची यहीं पे खाना खाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए मैनेजर साहब, ये बच्ची रेशम फिर कभी भूखी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसे मिलने आता रहूंगा। ओके सर। आ बेटा सर, आइए बेटा, बैठिए मैडम। वैसे तुम इतना भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अच्छा चलो, इतने घंटों बाद तारीफ का एक शब्द तो निकला आपके मुंह से। ये कोर्ट और कितनी दूर है श्रेया? सर हम बस 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। सर कोर्ट के बाहर एक बहुत ही अच्छा समोसे वाला है। समोसे की दुकान? समोसे का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। सर वहाँ पहुँच कर आप समोसे खा लीजिएगा, मेरे हिस्से के भी। हाँ हाँ तेरे हिस्से का भी खा लूंगा, लेकिन याद रखना एसीपी साहब को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है सर। ये क्या है? क्या हुआ सर? श्रेया न बारिश न तूफान, ये बीच सड़क पे पेड़ कैसे गिरा हुआ है? पेड़? सर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उतर के देखता हूँ। तुम्हें काम करना, आकाश को कवर करना। सर अब चलिए मेरे साथ। तुम इनको संभालो, मैं आकाश को देखता हूं। आकाश को संभालो, उसे अकेले मत छोड़ना। सर मैं यही हूँ आकाश के पास। ये समझ में नहीं आ रहा है फायर कहाँ से हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। ये तीन रबर के मास्क पहनकर ये तीनों बन जाएंगे आकाश। ग्रेट आइडिया सर।
आकाश, कभी कभी टेढ़े मुजरिमों के साथ निपटने के लिए सीआईडी को भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पता चल जाएगा उन आतंकवादियों को, जब सीआईडी कभी किसी के पीछे पड़ती है ना, तो क्या अंजाम होता है। कोर्ट पहुंचने वाले हैं, प्लान सक्सेसफुल। प्लान तो कामयाब होना ही था यार, लेकिन हमारे बाकी ऑफिसर्स का क्या हाल है? हमला तो सब पे किया, पर वो लोग हमारा बाल भी बाका नहीं कर सके। ग्रेट, अब उन आतंकवादियों को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता था। लो ना लो भाई खिलो ना, लो ना लो भाई। अभिजीत अंकल प्लीज खिड़की खोलो ना। नहीं बेटा, सिग्नल पे खिड़की नहीं खोल सकते हैं। अभिजीत अंकल प्लीज ना, मुझे वो खिलौना चाहिए। बात को समझो सिया बेटा, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है, खिड़की नहीं खोल सकते, बात समझो। ठीक है, मैं भी कौन सा अपने लिए खरीद रही थी, मैं तो आपके लिए खरीद रही थी। मेरे लिए? बेटा मेरी उम्र अब खिलौने से खेलने की नहीं रही। अरे बुद्धू, आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों के लिए। लेकिन सिया बेटा, अभी तो मेरी शादी हुई नहीं। थकते नहीं, आपके अभी तक शादी भी नहीं हुई। हाँ, वो कोई लड़की मिली नहीं तो अभी शादी नहीं हुई। मैं तो आपको देख के पहचान गई थी, आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी। अच्छा, बहुत बहुत जानकारी है तुम्हें इन चीजों की, है? हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आप मेरे बॉडीगार्ड हो। बॉडीगार्ड? कैसे? क्योंकि ड्राइवर्स के पास गन नहीं होती। ओह, यस बेटा, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। और किसी ने भी सिया बेटे की तरफ नजर उठा के देखा तो ये बॉडीगार्ड उसकी नानी याद दिला देगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जेंटलमैन प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। अच्छा, अब हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई। हाँ। तो आपको गिफ्ट देना तो बनता ही है। कि, अरे क्या दूँ? ये क्या कर रहे हैं बेटा? नहीं बेटा, ये अभी आपका है, ये मेरा लकी बैंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था, और अब मैं ये आपको दे दूँ। बहुत प्यारा है, थैंक यू बेटा। पहुंचेंगे अंकल? बेटा अब तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर। कैसे गाड़ी चला रहा है? आप ठीक हो बेटा? हाँ अंकल। क्या हुआ अंकल, ये गाड़ी हमारी तरफ क्यों घूम गई है? कुछ लोगों को गलत रास्ते पर चलने की आदत होती है बेटा।
देखो बेटा, जैसा अंकल कहेंगे वैसा करना, ओके? पर क्या होने वाला है अंकल? कुछ तो होने वाला है, लेकिन तुम डरना नहीं, ओके? मैं डरती नहीं हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सिया, जब तक मैं कुछ ना बोलू ना, इस कोर्ट के अंदर ही रहना, ओके? चार गोली। एक काम करो बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ, हैं? लेकिन अंकल, ये हमें मारना क्यों चाहते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बेटा, बुरे लोग हैं, बुरे लोगों को अच्छाई से डर लगता है। तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ, ओके? नहीं अंकल, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। प्लीज बेटा। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, जितने दूर हो सके उतने दूर भागो। और ये, लेकिन अंकल आप, एक मिनट बेटा, ये मेरा मोबाइल ले जाओ, दूर जाके दया अंकल को फोन करना, वो तुम्हें बचा लेंगे, ओके? लेकिन अंकल आप, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अंकल मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, जिद नहीं करते, तुमने अंकल से वादा किया था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगी, और देखो ये तुम्हारा फ्रेंडशिप बैंड मेरे पास है ना, मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, जल्दी जाओ, जल्दी बेटा। वहीं रुक जा। हाँ, दो गोली, चार लोग।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.